यार भाई लोगों, कोई कमाने की लाइन बताओ यार। अबे तेरी उम्र ही क्या है अभी? भाई अपन से छोटे छोटे बच्चे YouTube पे माइनक्राफ्ट की वीडियोस डालकर लाखों कमा रहे हैं, लाखों, और अपन यहाँ नुक्कड़ पे बकेती पेल के टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अचानक क्या हो गया अबे तुझे? तू ये सब पैसे वैसे की बातें कब से करने लगा? हमेशा तो बस लड़की, ब्रेकअप, ये सब बकेती पेलता था। भाई कुछ नहीं रखा, उस सब में करियर बनाना है। जब दौलत जेब में जाएगी तो लड़के झक मार के आएगी। लगता है किसी लड़की ने नल्ला बेरोजगार बोल दिया। और इसके दिल पे लग गई। भाई लोगो, रातों रात अमीर हो जाऊं, ऐसी कोई लाइन है क्या? हाँ है ना मियाँ भाई। क्या? रात में सपने देखना चालू कर दे, रातों रात अमीर हो जाएगा। एक नंबर। दोस्तों से एडवाइस मांगने जाओ, वो एडवाइस छोड़ के सब दे देंगे। तो तू एक काम कर, कोई लड़की दोस्त बना ले, फिर उससे एडवाइस मांगने जाना, वो एडवाइस छोड़ के। हाय गाइस, आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी प्राइजेस जीतो, वो भी लोटस 365 प्रोटीन पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जैसे हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस जैसे 50 प्लस तरह के क्वेश्चंस में अपने ओपिनियन बता के आप काफी प्राइजेस जीत सकते हो। लोटस 365 पे जाकर रजिस्टर कीजिए और पाइए ₹365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24-hour कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा 200+ क्वेश्चंस जहाँ आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए लोटस 365 प्रोटीन पे। देख ज्यादा माथा पच्ची मत कर, मैं तो बोलता हूँ 10 लाख का लोन ले ले और रेस्टोरेंट खोल ले, बड़ो मस्त चलेगा। 10 लाख का लोन तेरे अब्बा देंगे? मेरे अब्बा अगर लोन देते तो मैं 1 करोड़ का लोन लेता और वापिस भी नहीं लौटाता। साला अपने बाप के ही पैसे खा जाता, हद है। नहीं भाई, ये रेस्टोरेंट वाली मगजमारी में नहीं पड़ना। खाना बनाने वाले लोग ढूंढो, मैनेजमेंट स्टाफ चाहिए, यूनिक टेस्ट लाओ, और ऊपर से हर दूसरे कोने पे 10-10 रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। कुछ और बताओ। लक्ष्मी चिट फंड में पैसा लगा दो, 25 दिन में पैसा डबल मिया भाई, 25 दिन में। मेरी किडनी में हार्ट अटैक आ गया ये आइडिया सुन के। काश अंबानी के यहाँ पैदा हो जाते तो ये सब सोचना ही नहीं पड़ता। और अंबानी के नौकर के यहाँ ही पैदा हो जाते तो काम बन जाता बड़ू। मैं तो बोलता हूँ मुंबई जा और अंबानी के घर के आसपास ढूंढ, 4-5 करोड़ रुपए यूं ही पड़े मिल जाएंगे, जिंदगी भर का गुजारा हो जाएगा। तुम सबने मिलके एक साथ नशे किए हैं क्या? आई एम सीरियस ब्रो, कुछ ढंग का आइडिया बताओ, नहीं तो मुंह मत खोलो। ढंग का आइडिया चाहिए तेरे को तो ले सुन, कोई भी स्किल्स सीख ले, जैसे वीडियो या फोटो एडिटिंग या कोडिंग सीख ले, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख ले और फ्रीलांसर बन जा, घर बैठे बैठे पैसे कमाएगा, घर बैठे बैठे। बिजनेस का आइडिया बता, कुछ बड़ा बिजनेस का। ओहो, बिजनेस करना है आशिक को? लगता है लड़की के घर वालों को बिजनेस करने वाला लोंडा चाहिए। सरकारी नौकरी करने वालों पे से भरोसा उठ गया क्या लड़की वालों को? अबे तो ये घंटा कोई सरकारी नौकरी कर पाएगा, इससे सबसे सरल गवर्नमेंट एग्जाम भी नहीं निकलेगा। बिजनेस करना है ना तेरे को तो ईवी चार्जिंग स्टेशन खोल ले, बहुत कम है इंडिया में, मस्त पैसा ही पैसा होगा बड़ू। उसके लिए जमीन चाहिए, मेरे पास एक फूटी कोड़ी नहीं है। टाइम पास कर रहा है तेरे को, कुछ करना मरना है नहीं साला नल्ला बेरोजगार। हाँ साले को इतने आइडिया दिए चिंटू ने, सब में मना कर रहा। तो फिर अब एक काम कर, भीख मांगने लग। तू पागल हो गया है क्या? अरे बड़ू एक नंबर आइडिया, तेरी कसम बता रहा हूँ, अपने शहर में 8 लाख लोग रहते, अगर सबने तुझे 1-1 रुपए भी दिए ना तो दिन के 8 लाख रुपए कमाएगा, 8 लाख। तेरी तो भैया, गरम चाय देना, इस पे डाल दूं। ओ मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था, मजाक।